हमारी गुनगुन बिटिया जो है वो कितनी सयानी हो गई। आज स्कूल में बहुत ही बढ़िया कविता सुनाई उन्होंने। जब गुनगुन कोई पुरस्कार मिला ना तो हमें लगा कि हमें मिला है। ये पुरस्कार उन सब लोगों को जवाब है जो ये पूछते थे कि हम अपनी बिटिया को अकेले कैसे पालेंगे। समझ पाया? जो आपके कंपटीशन जीतने वाली विश थी ना, हमने पूरी कर दी है। हम पूरी की कंपटीशन जीत गए। वेल डन हीरालाल। ध्यान से भरना जरा। हाँ हाँ, कमती बढ़ती हो गई तो नुकसान होगा अपना ही। अरे हीरा आ गए? हाँ हिमाल आ गया। हाँ हाँ उधर ही रख दो, उधर वहां पे इधर रख दे। हाँ ठीक 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 ठीक। जय भोले शंकर। हाँ जय शंकर। चलो फोन आ गया भाई। अरे भैया जी का, अरे चरण स्पर्श भैया जी। हाँ जी हाँ जी, हाँ माल आ गया है जी। हाँ रखवा दिया। भैया जी उस बेवकूफ को क्या पता, हाँ इस बार सही मुर्गा फांसा है जी। अरे कुछ पता नहीं चलेगा, अगर धरा भी गया ना तो हम तो मुकर जाएंगे भैया जी। हाँ हाँ आप चिंता मत करो भैया जी, बिल्कुल। अच्छा भैया चरण स्पर्श जी। भैया जी नकली दवाई है, सस्ते सामान से बनी हुई नकली दवाई जिससे अभी तक 7 जाने जा चुके। तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम इसे यहां ले आए। अगर पुलिस की रेड में पकड़े जाते तो बहुत मुश्किल हो जाती। आपसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया मैडम जी। गुनगुन के इलाज में ही आपकी कमाई हम लगा दी। हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाए। हमारा मतलब है जिस चीज से हम जिंदगी भर बचते रहे हमारे साथ वही हो गया मैडम जी। हमारी राजकुमारी को बचाने के लिए न जाने कितने लोगों का खून का पैसा हम लगा दिए। मैडम जी आप हमको गिरफ्तार कर लो, हम कानून के गुनहगार हैं। आप हमें जितनी सजा दोगे हम भुगतने के लिए तैयार। नहीं हीरालाल, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं था। अरे मैडम जी गुनाह तो इन्हीं हाथों से हुआ है ना मैडम जी, इन्हीं हाथों से हम वो सामान इधर से उधर पहुंचा। अब ये सब के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे दिल में कभी भी कोई खोट नहीं, इससे बड़ी कोई भी बात नहीं हो सकती। और हाँ जहां तक बात गलती की है, एक तरीका है जिससे तुम अपनी गलती सुधार सकते। बताइए मैडम जी, आप जो बोलेंगे हम करने को तैयार हैं। आप हुक्म कीजिए। ठीक है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। हेलो मैडम जी। जी मैडम जी, हम 5 बजे ना वो कंसाइनमेंट लेने जा रहे हैं। आप एड्रेस नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। हाँ मैडम जी, अब एक काम करते हैं। मैडम जी हमारे पास ना एक सफेद कलर का रुमाल है, आप वो रुमाल गिरा देंगे वही आपके लिए इशारा हो जाएगा। मैडम जी जरा ध्यान रखिएगा, वहाँ बहुत अजीब टाइप के लोग हैं। हाँ माल डिलीवर होना चालू हो गया मैडम, मैं सिग्नल का वेट कर रहा हूँ। भैया हमारा क्या हो गया वो बता देते तो जरा तसल्ली हो जाए।
सिग्नल मिल गया मैडम, आप निकलिए। ठीक है चलो। बस यही एक तरीका था तुम्हें सेफ रखने का। अगर उनके गैंग को पता चल जाता कि तुमने उन्हें धोखा दिया तो तुम्हारी लाइफ को खतरा हो सकता था। हमें तुम पे गर्व। हमने अकेले कुछ नहीं किया मैडम जी, जो किया आपने किया। अगर आप नहीं होते तो शायद। हीरालाल, इन सब के बारे में अब मत सोचो। बस ये ध्यान में रखो कि इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ना तुमने कभी कुछ कहा, ना किसी ने कभी कुछ सुना। ये किस्सा जैसे कभी हुआ ही नहीं, समझे? आप हमें यहाँ काहे बुलाए मैडम? अरे अभी तो बताया। अभी तो बताया मैडम, कभी कुछ हुआ ही नहीं। लो चाय पियो। थैंक्यू। सुमित बाबा की विश पूरा करने के लिए मम्मी और पापा दोनों चाहिए। अभी पेरेंट टीचर मीटिंग में ले जाने के लिए मम्मी कहां से लाए? बात है, आज हीरा बाबू तड़के तड़के दिखाई दिया हमारे द्वारे। उजाला हो गया बस्ती में तो आज। वो सुबह सुबह नींद खुल गई और उसके बाद नींद नहीं आई। बात का है जरा बताओगे? गुनगुन बिटिया की जीत को लेके परेशान है। जीत खुद के लिए होती तो उसको मना भी कर देते, डांट भी देते, वो शायद हमारी बात मान भी जाती। सुमित बाबा का सपने को लेके हमारे साथ जिद कर रही। हम सोच रहे हैं कि तुम हमारी क्या कहते हो मिसेस बनोगी? क्या बोले तुम दया? क्या बोले तुम? तुम हमको शादी करने के लिए बोल रहे हो? कुछ नहीं करने को बोल रहे हैं। वो गुनगुन बेटे के स्कूल में एक दिन के लिए चलने के लिए बोल रहे हैं। वो कहा है ना गुनगुन बेटे का जिद भी पूरी हो जाएगी और सुमित बाबा का सपना भी और स्कूल की मीटिंग भी हो जाएगी, बस इसलिए कह रहे थे। लेकिन हाँ, तुम्हारा घुमा फिरा के मतलब तू ही था ना कि मतलब हम तुम्हारी मतलब अरे नहीं नहीं नहीं, हम अपनी अम्मा की कसम खाते, हम शंकर भगवान की कसम खाते, हमने ऐसा नहीं कहा। हमें गलत मत समझो तुम। हम तुमको सही समझ रहे हैं बाबू। ए शांति देवी, हम सच कह रहे हैं, हमारा कोई ऐसा मतलब नहीं था। अरे हमारे भोले प्रसाद, इतना समझाने की जरूरत नहीं है। हम चलेंगे तुम्हारे साथ गुनगुन के स्कूल। चलोगी ना? भले ना की कसम खाओ। ज्यादा उछलो मत, एक ही दिन के लिए हाँ बोले हो, भी गुनगुन मिटिया के खाते। तो हम भी तो एक ही दिन के लिए कह रहे हैं, हम कौन सा तुमको कह रहे हैं कि साल भर रुको हमारे पास। वो गुनगुन बिटिया को भी तुम ही बता दोगी, हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। समझा देंगे। पर हीरा, एक बात बोलो, गुनगुन बिटिया के स्कूल वालों को पता है ना कि गुनगुन की माँ? हाँ हाँ पता है उनको। ऐसे में अगर हम उनकी माँ बन के जाएंगे स्कूल, उन्होंने को ना सवाल जवाब कर लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये तो हम सोचे ही नहीं। पर हम उनकी माँ ना सही कि शांति आंटी तो बनकर जा ही सकते है ना? ऐसे में गुनगुन की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और स्कूल वालों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ ऐसा तो कर सकते हैं। क्या बात है शांति देवी, हमारे साथ रह के बहुत समझदार हो गया है। हो गई हो मतलब? नहीं मतलब क्या है तुम्हारा? अरे बाबा कुछ नहीं कहे हम तुमको, तुम सोचो हमने तुमसे कुछ नहीं कहा, हमारे जबान पे ताला लगा दिए। हाँ रहे दो, कहा ताला दिए हो कहा नहीं सब समझते हम। अच्छा सुनो, वो झाड़ू उठाओ जरा, सफाई में हमारी मदद करो। झाड़ू हम? और नहीं तो का? हाँ? का? हम तुम्हारी मदद किए ना, तुम इतनी मदद नहीं कर सकते हमारी। हाँ
हम कर सकते हैं? झाड़ू कहाँ है? झाड़ू? ये झाड़ू? इधर इधर इधर। झाड़ू है? कहाँ मानना है? मजाक कर दे, मजाक कर, तुम रह दो, हम लगा लेंगे। शांति। हाँ, हम शांति को पूछ लिए कि हमारे साथ तुम गुनगुन के स्कूल जाओगी, तो बोली हाँ जाए। अम्मा यार काहे बकैती झाड़ रहे हो यार? अम्मा इसमें बकैती कौन सी बात है? अरे उठहरी गवार औरत, अपनी जबान खुलेगी ना, कचर पचर कचर पचर सब गुड़गोबर कर। अम्मा नहीं, हम शांति को बोल दिए कोना पकड़ के बैठ जाएगी, जो भी बचाने का काम होगा वो हम करेंगे, हम बचाएंगे, वो चुपचाप बैठेगी। वैसे गुरु एक बात बोले, तुम दोनों की जोड़ी बहुत टंच लगती है। फिर दिमाग दौड़ा रहे? नहीं, बहुत ज्यादा दिमाग चलता है तुम्हारा। तुम्हारा चेहरा ना टमाटर का लाल हो गया। हाँ गुस्से से लाल हो रहा है, दो कंटाफ मारेंगे ना, ऊपर से नीचे सब कुछ लाल कर देंगे तुम्हारा। बहुत बोल रहे हो आजकल। अरे गुरु मजाक करे तो कहीं सीरियस ले रहे हो? मजाक कर रहे हैं। अच्छा हम पता क्या सोचे, वो जो सेंट मर्जी स्कूल है ना, वो बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े रईसों के बच्चे पढ़ने आते हैं, सब अंग्रेजी में गिटार 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 ये सब चलता रहता है वहाँ। और तुम ठहरे नीलबट्टा सन्नाटा, तुम क्या समझोगे अंग्रेजी? क्या कोई नियम है का कि अंग्रेजी में ही बात करना है? अरे उस दिन तो बहुत फैल रहे थे कि हिंदी हमारा मातृभाषा है, देश का भाषा है। हाँ आज का हुआ, अब कोई हमसे बात करेगा तो हम हिंदी में जवाब देंगे। अरे वो बात ठीक है, लेकिन अगर टीचर ने अंग्रेजी में सवाल पूछा तो कैसे समझोगे? चिंता हो तो हम सोच ले, वो तुम्हारी बस्ती में जो रमेश नहुआ है ना, उसके बगल में मास्टर जी रहते हैं। गजेंद्र बाबू, सही कैच किए हो। कहा है कि तुम और शांति उनके पास चले जाओ और वो अपना जो है पेज जो है कसवा लेना, ठीक है? बुजुर्ग आदमी है, उनको सिखा देगा। यार कभी कभी तुम भी समझदारी की बात कर लेते हैं, बहुत होनहार हो गए हो। लो इस बात पे चाय पिलाओ। है ना जिंदा आइडिया? और सुनो चाय नहीं कुछ और पियेंगे। अम्मा चाय पिलाएंगे तुमको, कुछ और पियेंगे। चाय बनाओ। चाय पी पी के थक गए गुरु। थोड़ा खाना खा लिया जाए। अच्छा गुड़िया रानी एक को बात बताओ, स्कूल में आज काका किए? बहुत सारी पढ़ाई की आती, हमें तो टेबल भी आता है। टेबल? तुम लोग स्कूल में बेंच भी नहीं बैठते हो का? अरे बेंच की बात नहीं, मार्क्स में लिखने वाला टेबल। हम सुनाए? टू वन से टू, टू टू से फोर, टू थ्री से सिक्स। अरे ये तो हमको आता है, ये तो दुई का पहाड़ा है। सुनो हम सुनाते हैं, दुई एक कम दुई, दुई दुनी चार, दुई तिया। अरे इससे अच्छी तो हमारी वाली है। हाँ अंग्रेजी में जो है आंटी, वो जो पोयम कंपटीशन था ना, उसको जीतने के बाद सब हमारा नाम जानते हैं स्कूल में। अरे मेरी गुड़िया नानी का हमेशा भला। पर क्या है ना, हम सोच रहे थे कि एक दिन हम खुद ही आ जाए तुम्हारे स्कूल और देख ले कि तुम्हारी यहाँ पढ़ाई कैसी होती। गुड़िया चाहते तो हम भी है कि मम्मी पापा एक साथ मेरे स्कूल है, और सुमित भैया की विश भी थी कि मम्मी पापा एक साथ स्कूल के पीटीएम में है, और परसों पीटीएम है। हाँ वो तुम्हारे पापा बता रहे थे, वो कहा है ना कि वो तुम्हारी मम्मी तक पहुँचने की बहुत ही कोशिश किए, उन्हें तो राजा मित्रदेव को भी बात कर ली है, लेकिन वो कहा है ना तुम्हारी मम्मी के पास मोबाइल फोन नहीं ना है, तो उन तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसलिए पता नहीं हुआ आप आएंगे कि नहीं आ पाएंगे। अगर मम्मी नहीं आएंगे तो समझ में की विश भी पूरी नहीं होगी। अरे गुड़िया रानी तुम मायूस काहे होती हो, अभी तक तुम्हारी शांति आंटी है ना, उनके पास एक और तरकीब है। कहे नहीं हम कोनो ऐसे जन को बुलाए जॉन जन तुमको मम्मी की तरह प्यार करती हो, ऐसे बेटे की मीटिंग हो जाएगी और सुमित भैया का इच्छा भी पूरा हो जाएगा। मम्मी जैसा प्यार? मम्मी जैसा प्यार तो हम सिर्फ पापा करते हैं। और शांति आंटी अभी तो हमसे मम्मी जैसा प्यार करती है ना, तो आप भी हमारे साथ मीटिंग में चलिए ना। अरे बारे में तो हम सोच ही नहीं ना है। अच्छा ठीक है, हमारी गुनगुन गुड़िया को अगर खुशी मिलती है तो काहे नहीं आएंगे, चले चलेंगे तुम्हारे साथ। ये समझ जाएगी पूरी हो जाएगी। अब थोड़ा खाना पी लियो। देखिए मास्टर जी, हम आपसे सब साफ साफ कहना चाहते हैं, मतलब अंग्रेजी में दिक्कत है, हमारी बिटिया जो है बहुत बड़े स्कूल में जा रही है,
वो जैसी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी कक्षा है, वो कहते हैं ना वो राजा राजवाड़ों वाला स्कूल है, तो वहाँ पे ना सब फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, और हम बस यहाँ गए हैं कि वो स्कूल में वो क्या कहते हैं वो माँ बाप को अध्यापकों से मिलाते हैं ना, पेरेंट टीचर मीटिंग। पेरेंट टीचर मीटिंग। हाँ मास्टर जी, अब हम अगर गुनगुन बिटिया के स्कूल में जाते हैं तो उनके टीचर से हम कहाँ बात करें, कहाँ बात ना करें, कहाँ सही है कहाँ गलत है, वो सब आप हमको समझा दीजिए। देखो भाई, जुबान कोई दाल चावल तो है नहीं कि दो दिन में पकानी सीख ली जाए, इसके लिए चाहिए वक्त, और ये तो ऊपर से अंग्रेजी है। लेकिन हाँ, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि एक पेरेंट टीचर मीटिंग में तुम्हारी नाक कटने से बच जाए। बस मास्टर जी, इतना हो गया तुम्हारा काम बच जाए। इस मीटिंग में ऐसा कुछ खास नहीं होता है, वो लोग सिर्फ तुमसे तुम्हारी बेटी के बारे में बात करेंगे। पर हमें अंग्रेजी में तो जवाब देना पड़ेगा ना, मेरा मतलब है मतलब जरूरत पड़ा हमें पता तो होना चाहिए ना कि कहना क्या होता है। इस मीटिंग में तुम्हारा दो तीन अंग्रेजी की लाइनों से काम बन जाएगा, किसी भी टीचर के पास जाना और एक ही सवाल पूछना, हाउ इज गुनगुन डूइंग इन स्कूल। इनको बहुत टाइम लगता है, आप हमको बताइए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि गुनगुन स्कूल में कैसा कर रही है। अरे वाह, हाउ इज गुनगुन डूइंग इन स्कूल। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान है मास्टर जी, थोड़ा सा और सिखाइए ना। देखो, जब कोई भी टीचर आके जवाब दे, बस आपको एक ही बात बोलनी है, गुड या दैट इज ग्रेट। गुड? अरे गुड नहीं, गुड। गुड माने बढ़िया, है ना? हाँ, और ग्रेट माने वो महान होता है ना, महान, उसको ग्रेट कहते हैं। अरे हमको इतनी अंग्रेजी आती है। अब बीच बीच में यही बोलते रहे, आपका काम बन जाएगा, और वैसे भी वहां जाकर आप दोनों को भाषण थोड़े देना। अरे मास्टर जी, इन सब बातों में कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगी, मैं तुम्हें अंग्रेजी की कुछ खास आम सी लाइनें हिंदी में मतलब समेत लिखकर दे देता हूँ, आप दोनों उन लाइनों को रट लेना, फिर बेफिक्र होकर अपने बच्चे के स्कूल में मीटिंग में जाइए। गुड गुड गुड, ग्रेट ग्रेट, बढ़िया, महान, इज डूइंग स्कूल, हाउ इज गुनगुन डूइंग स्कूल। अच्छा एक बार बताइए, तुम दोनों इतने बड़े स्कूल में जा रहे हो, तुम दोनों के पास अच्छे से, मेरा मतलब है नए कपड़े तो है ना? नए कपड़े कहाँ है, हमारे पास ये पुराने कपड़े है ना, यही पहन के जाएंगे, बहुत बढ़िया कपड़े हैं। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, तुम लोग इतने महंगे स्कूल में जा रहे हो, और भी बच्चों के पेरेंट्स आएंगे, वहाँ थोड़ा अच्छे से तैयार होकर थोड़े महंगे कपड़े पहनकर जाएंगे तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। मेरी बात मान लीजिए, तुम दोनों अपने लिए एक एक जोड़ी नए कपड़े खरीद लीजिए, वहाँ फजीहत कराने से अच्छा है कि कुछ खर्चा कर लिया जाए।